डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं हमारे चैनल अलकलम एजुकेशनल और यू आर वाचिंग अलकलम एजुकेशनल चैनल। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट के तो लेक्चर स्टार्ट हुए हैं। आईकॉम पार्ट टू के पार्ट वन की भी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इम्तिहान करीब आने वाले हैं। ये जी बिजनेस मैथ आईकॉम पार्ट वन के स्टूडेंट सब मुतवज्जा हो जाएं। ठीक है, अब देखें ज़रा, हम सबसे पहले आपको पैटर्न बताते हैं ताकि आपको पता चले कि कैसे करना है। बिजनेस मैथ का पेपर आपका टोटल होता है 50 नंबर का। ठीक है, 50 नंबर का पेपर होता है और इसको अगर आप टेक्निकल तरीके से तैयारी करें तो बहुत ईजी होता है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास जो MCQs आते हैं वो होते हैं 10 नंबर के। ठीक है, और MCQs को रटा मारने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजी कर लेंगे। फिर हमारे पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए क्या होते हैं, वो भी पार्ट्स बने होते हैं, पार्ट्स वन पार्ट टू। ठीक है, और इसमें से आपने 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और वो टोटल क्वेश्चन मिला के बनते हैं 24 नंबर के। ठीक है, 24 नंबर के बनते हैं। और लास्ट में हमारे पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास क्या आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। अगर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, एक मिनट ठहर जाए ज़रा, 24 हैं आपके। ठीक है, और ठीक है उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में से आप लोगों ने क्या करने होते हैं, अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। अब वो कैसे है, 3 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। आप देखिए, एक क्वेश्चन मेरे पास आया ना तो उसका ए पार्ट भी बना होगा, उसका बी भी पार्ट बना होगा। इसी तरह अगर पास आपके क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसका ए पार्ट भी बना होगा, उसका बी पार्ट भी बना होगा। इसी तरह अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है तो उसका ए पार्ट भी बना होगा, बी पार्ट भी बना होगा, और ए पार्ट आपका 4-4 नंबर के हैं। ठीक है, यानी यहाँ से आपने 300 अटैम्प्ट करने हैं और वो 16 नंबर के, तो टोटल मिला के आपके कितने नंबर बनते हैं, 50 नंबर के। बहुत ही आसान तरीके से करवाना है, तो पहले हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं, उसके बाद फिर आपने बताना है कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर जो हम स्टूडेंट को करवाते हैं वो होता है मैट्रिसेस वाला। वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि स्टूडेंट आए होते हैं, वो मैट्रिक्स से 9-10 में चैप्टर आप करते ही आ रहे हैं, तो जब उसको हम यहाँ पर करवाते हैं वो ईजी इसको बड़ा हैंडल कर लेते हैं। वो यहाँ मैथ बहुत ही ईजी है, बिजनेस मैथ का। उसके बाद दूसरा चैप्टर आपके पास जो आता है वो आता है लीनियर क्वाड्रेटिक। ठीक है, इक्वेशंस। अभी जो इक्वेशंस वाला चैप्टर है ये भी आप लोग जो है मैट्रिक से करके आ रहे हैं, तो इसलिए जब इसको करवाएंगे, और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें सवाल लाजमी आते हैं। उसके बाद तीसरा चैप्टर आपके पास आता है बिजनेस अर्थमेटिक। अब अगर आपको थोड़ा सा बताया जाए, 6वीं 7वीं 8वीं में आप लोगों ने वो चैप्टर पढ़े होंगे, तनासब रास, तनासब मकूस, परसेंटेज, इतना सेल किया, इतना लॉस हुआ, इतना प्रॉफिट है, तो इस चैप्टर में सारा कुछ हम ये पढ़ते हैं, वो भी तो आपको बहुत इजी तरीके से करवाएंगे। उसके बाद फोर्थ चैप्टर आपके पास आता है, हाँ जी, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये चैप्टर आप लोगों के लिए नया होगा, या मे भी उन्होंने डाल दिया हुआ 9-10 में, उन्होंने डाल दिया हुआ आर्ट्स की बुक में ये मैथमेटिक्स फाइनेंस का, तो ये भी आपके लिए आसान होगा, जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। उसके बाद 5 पे आ जाए, 5 पे आपके पास आता है बाइनरी नंबर। ये भी आप लोगों ने किया हुआ है, ये भी हम आपको बहुत ईजी तरीके से करवा देंगे। 6 आपके पास आता है ग्राफ का। अगर आप ग्राफ का ना भी करें तब भी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ग्राफ का चैप्टर ना भी करें तब भी तैयारी हो जाएगी। इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आने होंगे वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आईकॉम के जितने भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इम्तिहान में रह गए थोड़े दिन बाकी, हमारे साथ बने रहें ताकि जो भी हम समझा रहे हैं उसको आप जेन मशीन कर लें और इम्तिहान में अच्छे नंबर से कामयाब हो जाए। तो ये चैप्टर आपके पास सारे दिए हुए हैं, आप लोग हमें बताना है कि कौन सा चैप्टर पहले स्टार्ट करना है। अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हम देख लेंगे उस हिसाब से जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई इसको लाइक कर लें, लाइक करने के पैसे नहीं लगते, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, नीचे देखिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी कभी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।